आगे से आगे उनको और समाजों का पता चले, तो ये अपना पुस्तक में कुछ करो, तो ऐसा कोई पता नहीं चलेगा। अब पूरा खंडर है, कोई ध्यान नहीं देने वाला इधर, ना कोई पंडित है, ना कोई कुछ भी नहीं इधर। नमस्कार मित्रों, आज फिर पहाड़गंज अजमेर में आने का मौका मिला है और आपको 26 तारीख का मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें समाज की कुछ यहाँ के हमारे सज्जन मिले थे, बुजुर्ग बुजुर्ग उनसे मुलाकात की थी, लेकिन आज फिर एक बार फिर अवसर मिला है कि आदरणीय हमारे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर रोड, जिनका ये रामचंद्र जी, रामचंद्र जी जिनका वो हो रहा ना रिटायरमेंट, और रूपचंद जी, रूपचंद जी रोड। हाँ, आदरणीय हमारे रूपचंद जी का आज जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं रेलवे विभाग से, तो आज उनके यहाँ पर भोज भी रखा हुआ है और आज एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें आज मुझे भी आने का अवसर मिला है। इसी उपलक्ष्य में आज माता रानी दुर्गा माँ मंदिर के दर्शन भी किए हैं, माता रानी से प्रार्थना की है कि हमारे समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, ये समाप्त हो जाए। मेरे साथ में हमारे युवा साथी है, नाम क्या है आपका श्याम साथ? सुंदर, श्याम सुंदर जी हमारे साथ में है। श्याम सुंदर जी कहाँ से हैं आप? पहाड़गंज राजेंद्र स्कूल के पास में। आप पहाड़गंज अजमेर से ही हैं और एक अच्छी सोच रखते हैं। मुझे आज श्याम सुंदर जी, मुझे आने में यहाँ 10 साल लगे। जी, 10 साल हो गए। मैं 10 साल से ये सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊँ, पवन कहाँ मिलेगा, क्यों पवन मेरे को सोशल मीडिया पे पहली बार मिला था, मिला उसके था नंबर भी मिले थे, मैंने बात भी की थी, लेकिन मन में ये थोड़ी झिझक हो रही थी कि वहाँ जाऊँ, पता नहीं कोई है नहीं है, अपना हाँ कोई है कि नहीं है, मुझे जानता नहीं जानता कोई, जी तो कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। जी लेकिन जब मैं आया तो हम लगे बहुत ही पक्की मजबूत विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, पक्की रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं, हमारे आदान प्रदान विचार सब एक है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे परिवार के ही सदस्य पवन निकले, और ये तमाम जितने भी गलगट परिवार है और हडगल परिवार है, ये हमारे तमाम परिवार सभी रिश्तेदारी एक मजबूत समन्वय है। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में रूढ़िवादी परंपराएं इतनी चरमरा रही है, हमारे व्यवस्थाएं को भंग कर रही है, कि आज का युवा क्या करे, सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, वो किस ओर बढ़े, किस तरफ वो ध्यान दे। आज श्याम चंद्र जी मुझे बताइए, एक अन्य जो समाज हैं जैसे कलाल हो गई, ब्राह्मण हो गए, जैन हो गए, इनके समाज की एक अपनी पकड़ है पकड़ेंगे अपने और ना, समाज में कोई पकड़ नहीं है, आखिर ये सब हाथ खुले हैं। कोई अपन कुछ बोलते हैं इनको, बोले आप ये अपन ये करने चाहते हैं, अपन वो करने चाहते, वो कुछ ही नहीं। अब एक आदमी तैयार हो जाता है, एक मजबूत खड़ा हो जाता है, तो कोई वो क्या टीम चाहिए अपन को, चैन बनाने वाली कोई, सब टेन कौन नहीं सोचता, बोले मैं ये ऑफिस में बिजी हूँ, बोल बोल रहा मैं काम में बिजी हूँ, सही तो बात। ये क्या है अपनी चैन नहीं बन पाती है। एक तरह कोई अपने चैन बन गई ना, तो अपने को सब समझने लगा। आज अपन पहाड़ में कोई बोल देंगे ओड समाज के घर जाना है, तो कौन नहीं समझा, बोलो ओड कौन से ओड, उनको नाम बोलेंगे जब जाकर पहचाने के, बोले ये ओड के घर जाना है। आज सांसद जी बताइए, उदयपुर में जब नाम सुनते हैं तो हाँ जी, उदयपुर में आपको पता होगा कि नगर निगम में हमने पार्षद भी चुन लिया पार्षद है भी चुन ना, लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरा भाई है छोटा, और सबसे छोटा पार्षद है जी, नगर निगम में, सबसे छोटा पार्षद ही वही है तेईस जिसकी उम्र 23 साल की, साल सबसे छोटा पार्षद है। हमारे एक पार्षद और है लक्ष्मी लाल जी, जो कानोड नगर पालिका से चुने गए हैं। इसके साथ पॉलिटिकल में भी उदयपुर की मुझे लग रहा है एक मजबूत भागीदारी हो रही है, आने वाले समय में हम लोग और भी प्रत्याशी और उतारेंगे और ज्यादा से ज्यादा होंगे, लेकिन हम देखेंगे हम अपने समाज को, जब तक हमारी युवाओं की सोच आगे नहीं युवा बढ़ेगी को तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी जैसे पवन भैया काम करते हैं, लंबे समय से मैं देख रहा हूँ राजनीति में, राजनीति के राजनीति में अंदर कर ही रहे है, हैं। कॉलेज के टाइम से राजनीति के अंदर वो आ गए। हाँ, आखिर शांतुदेव जी हम क्या सोचते हैं, किस समाज का कैसा सपना देखा हमने हमारे समाज के लिए? मैंने अपना सपना, मैंने ये सोच के, मैंने छोटे से, मैं 8 साल का था जब से मैं ये सोच के चला, बोले अपने मंदिर के लिए अपनी और समाज की टीम बनावे, उस सब जगह लेके घूमे, इनको पता लगे, तो अपने कोई भी जात के हो और जात के हो इनके दिखे, बोले ये और समाज है, इनको पता भी चलना चाहिए। आज ये गुजर बस्ती हमारे पास में पड़ती है, इनका झंडा निकलता है और ये पूरे गुजर लोग इकट्ठे होते हैं, हम भी ये सोच करते, बोले यार ये चीज होना चाहिए अपने में भी, इनको पता चलना चाहिए। और ये गुजर क्यों नहीं जानते, सब जगह गुजर गुजर जानते हैं, अपने ओड समाज को कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता अपना, बोले सही ओड बात। कौन से ओड हो, पुलिस वाले से अपन पूछते, बोले ये ओड है, हाँ, बोले कौन से ओड क्या, ओड, ओड क्या होता ओड क्या होता है, वो ओड राजपूत, बोले कि बोले ओड राजपूत कौन से ओड राजपूत हो, ये ऐसा दिक्कत होती है। एक तरह की टीम नहीं मिले मनेगी अपनी, जब तक तो कुछ ही नहीं होने वाला अपना। तो देखिए, ये श्याम सुंदर जी का दर्द नहीं, ये सभी का दर्द है, पूरे परिवार का, हर शिक्षित का दर्द है, हर माँ बहन जो समझदार है उसका ये दर्द है कि समाज को पहचान अभी तक हम नहीं दे पाए। धन्य है वो महापुरुष हमारे समाज के जिन्होंने इस समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाई, कितने सालों तक, कितने युगों युगों तक हम स्वच्छ रहे, हम
हम विचारधाराओं से नहीं भटके, हम बिल्कुल सक्षम रहे, हम ऋषि मुनि की संतान है। पता नहीं कहाँ चले गए हम, कोई नहीं समझ सकता है। कौन सी दुनिया में चले गए हम, ऋषि मुनि। हम ऋषि मुनि की संतानें हैं, भागीरथ हमारे अष्ट देव है, माँ जसमा हमारी कुल देवी है, हम कहाँ चले गए। आज किसी भी मंदिर पे जाके पूछो, बड़े से बड़े मंदिर पे ओढ़ क्या होता, तो वो ओढ़ क्या होता, अभी तो कोई नहीं जानता। लेकिन मैं देखता हूँ ठेके पे जाके पूछो, वो सब बता देगा, ठेके वाला सब कुछ बता देगा, बोले ओढ़ वहाँ रहते हैं, यही राधी नाना है, हमारे इधर सांसी बस्ती वाले बता देंगे। हाँ वो ओढ़ कहाँ रहते हैं वो सब बताएंगे, वो यही रहेगा। और मैं तो कह रहा हूँ एड्रेस भी दे देंगे लिख के। हाँ वो आपको घर तक छोड़ना आ जाएंगे इधर भी। क्या दिक्कत है, हमारे ग्राहक है हमारे। तो देखिए हमारी स्थिति क्या है, हमें समझना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम वास्तव में माँ जसमा की संतान है क्या, क्या हम वास्तव में सगर महाराज की संतान है क्या, क्या हम उन महर्षियों की संतान है जिनका हम नाम लेते हैं, जिनका स्मरण करते हैं। अरे माँ काली जिसने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए हाथ में तलवार उठा ली, शिवजी के ऊपर पेड़ पड़ गया तो वो सारी शक्ति उनकी माँ ने सब त्याग दी है। आप देखिए हमारे देवी देवताओं ने हमारी रक्षा के लिए हर समय पे जो जो समय मिला वो किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज मैं भाई बहनों से यही दुआ करता हूँ और समाज को आगे बढ़ाओ, और प्लस सब चैन मान के मुट्ठी बंद करके चलो, और सब को पता चलना चाहिए, बोले ये अपने और समाज है, कोई ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए, बोले ये और कौन रहता है, बोले और हर बंदे को मुझ पर आना चाहिए नाम, बोले और वहाँ रहता और अपना, बोले किसके कौन से ओढ़ के घर आना बता दो मुझे। आइए अपने ओढ़ को बोले ओढ़ के घर आना, कौन से ओढ़ है कोई नहीं जानेगा। अब अपने एक अट करके चलेंगे, एक मुट्ठी बांध दिए तो सब जानेगा, बंदा कोई बंदा नहीं जानेगा। हमारी सेमिनार थी उसमें 150 लोग आए थे अन्य समाज के, लेकिन मैंने उनको एक ही परिचय दिया, नाम क्या आपका, गोविंद लाल ज्यादा से ज्यादा मेरे जिले का नाम लगा दो, उदयपुर है ना, तो आप जिले का नाम लगा सकते हैं, और ये जिला श्याम सुंदर बस है ना, और जरूर लगे अब गोद लगा के मैं भी वहाँ कर सकता था, लेकिन जितना मैं अपने समाज का प्रचार करूंगा लोग उसमें, अरे यार गोविंद लाल और कौन है, अच्छा अच्छा वो अच्छा साथ सुधर कौन और कौन, अरे अच्छा यादव, यानी कहीं ना कहीं अपना एक मजबूत समन्वय बनता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ धर्मशालाओं को लेके बात कर रहे थे, कुछ मंदिर को लेके बात कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में पड़ी हुई तो है, मैं भी जानता हूँ इतिहास में हम तो भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, हम इतिहास के बारे में तो इतना जानते नहीं है, लेकिन हाँ एक युद्ध अभी जो पीढ़ी है वो एक तो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो बेचारा कर भी क्या कर सकता है, एक लड़का पहल करता था दूसरी उसकी टांग खींचता है, है ना, उसको गिरा देता है, काफी क्षति पहुंचाता है। अभी आप मैं ये विनती करता हूँ, आप ये अभी पुष्कर जाके वहाँ जाके अपनी धर्मशाला में देख लो, ओढ़ धर्मशाला है अपनी, वहाँ जाके देख लो, वहाँ कुछ भी नहीं है, आपको एक खंडर पड़ा हुआ मंदिर दिख जाएगा और कुछ भी नहीं, आपको खाली नाम का मंदिर है वो, और कोई ना मस्जिद कुछ भी ना, पूजा पुजारी है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई सेवा चाकरी हो रही मंदिर, बेचारी वो माता जी बेटी वही दुखी हो रही है इधर बेटी। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से, ये पुष्कर यहाँ से 15 किलोमीटर है, पास में ही है पुष्कर यहाँ से अजमेर से, अपन चल सकते हैं अगर आपको समय है ना। हाँ तो भले कल भी आज भी कल भी जैसे कल आपको हो सके विनती, तो आपको ये भैया को ले जाके मैं ये सेवा कराऊंगा पुष्कर की भी, उनको दिखाऊंगा ये मंदिर की हालत क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है ये सब बता देंगे, उसमें सबको नाम लिखवा A to Z है कहाँ का भी और राजस्थान का, और ये सब कोई विनती है इसमें कुछ सुधार करवाओ पुष्कर के अंदर। आप मेरे लिए नहीं करवा रहे, अपने और समाज के लिए बता रहा, अपनी सेवा के लिए वहाँ मंदिर खुला हुआ है A to Z, आप कोई फूल कुछ भी आते हो, कोई काम से भी आते हो, कोई फूल आते हो, कोई कुलराज विश्राम अपना वोट मंदिर पे चले, कोई सेवा लाइक नहीं हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, ये श्याम सुंदर नाम ही नहीं है, इनका मन भी सुंदर है, और जैसा इनका मन जिसका जैसा इनका नाम है, इन्होंने अपने भाव भी प्रस्तुत किए हैं कि हीरे को तलाशने की आवश्यकता नहीं मिलती है, पड़ती है, हीरा तो ऑटोमेटिक चमक जाता है, और हीरा हीरे को पहचान लेता है कि ये साहब मेरा ही है, अंग है, ये मेरा ही भाई है, ये मेरा ही परिवार है। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज में 5 करोड़ लोग हम रहते हैं भारत में, फिर भी हम अनजान है। आज मैं पैसेंजर गाड़ी चलाता हूँ, मैं सवारी लेके वहाँ जाता हूँ मैं रामदेवरा। आज अपने ओढ़ने सब जने बैठे रहते हैं, भीख मांगती रहती है, अब बोलते हम ओढ़ समाज के वो है, वो मार को ये दे दो, हमने ये खोद दिया, हमने वो खोद दिया, ये गलत है, अपना नाम है रोशन, अपना ऊंचा नाम है, ये अपनी भीख मांगने की आदत नहीं है अपनी।
कन्हैया से कह दो, अपने भीख मांगने की आदत नहीं है, अपने दूर से इस चक्कर में बोल रहा हूँ मैं, ये हाथ फैलाना छोड़ दो कोई दूसरे के सामने। सही बात है, हमारे वो हाथ थे जो देने वाले हाथ थे, लेकिन अपना हाथ मजबूत है तो मजबूत करके चलो। ये क्या हुआ कि हमारे हाथों को कि हम मांगने वाले देने वाले हाथ मांगने लग गए। परंपरा थी मैंने, और प्लस ये एक्चुअली क्या होता है, अब ये ओड समाज का नाम ले रहे है वहाँ के रामदेवरा के अंदर, ओड समाज में अपन सब आ रहे है, एक नहीं आ रहा बंदा और रामदेवरा वाले नहीं आ रहे, अपन सब आ रहे है, तो नाम किसका कौन किसकी जाति का खराब हो रहा है, सब ओडो का नाम खराब हो रहा है। इसलिए विनती करता हूँ इनको भी थोड़ा सुधारो आप, और इनको बोलो ये मांगने की। श्याम सुंदर जी ये है कि उसमें ये हुआ था जब रामदेवराज जब स्थापित रामदेव जी जब जा रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी ने पूछा था, तो ओडो ने कहा था साहब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे यहाँ पे। तो उस समय एक प्रथा चली थी कि यहाँ से मिट्टी खोदना या तालाब खोदना है तुमको, और यहाँ के यात्री जो भी आएंगे तुमको जो दे वो ले लेना। उस जमाने से वो नहीं होता कह रहे ऐसी कहते हुए नहीं होता, मैं एक्चुअली क्या है पैसेंजर लेके जाता हूँ, वो मेहमान उसी से भी वहां से पूछते हैं आपका नाम क्या है, बोले श्याम सुंदर ओड, आज मैं पैसेंजर को लेके जाता हूँ, पैसेंजर को बोलते हम भी ओड है हमारे को ये दे दो वो दे दो, बेचारा कोई पैसेंजर होता है वो 10 रुपए देता था, बोले 10 से क्या होगा, वो धीरे धीरे 101 इशारे चलते बोले आ जा इधर आ जा, वो बोले नहीं हमारे को 50 रुपए दो, दाल दिला दो, आटा दिला दो, ये बात बेकार है। सही बात है, रूढ़ीवादी परंपराओं को हमें खत्म करना, हमारे समाज को एक नया मुखट्टा देना है, हमें हम इतने मजबूत हैं, नया चेहरा नहीं देंगे और समाज को जब तक कुछ नहीं होना, हम इतने मजबूत हैं, हम इतने परिपूर्ण हैं कि 5 करोड़ लोग अगर एक साथ 100-100 रुपए दे दे तो 5 करोड़ के 100 गुना कर लो, शायद गिनती मुझे नहीं आई, इतने लोग होते हुए भी हम बिल्कुल नारगी जीवन जी रहे हैं। आइए सब मिलिए, आइए हमारे जो आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में चिंता करें, आप जितना अपने तरफ से दान करेंगे ऐसे गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारा पैसा जो है काम आएगा, हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हर समाज अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है ना कुछ। आज ये प्लस कोई बेचारा गरीब है, इसके एक और समाज में मीटिंग होना चाहिए, प्लस बोले ये गरीब है, एक उनको और समाज के वो अपन बोलते ना इनके बोले शादी कराने के लिए वो करो ये करो, आज दूसरे समाज में नहीं जाना पड़ेगा, बोले बेचारा गरीब है, बोले तेरा अपने दहेज वेज बोलते हैं, बोले अपने और समाज की तरफ से दे सकते हैं, सब चंदा इकट्ठा करो कुछ भी। अब अपन बोले यार गरीब है इनके कितने 40 हो रहे हैं, 200 बरात हो रही है, 300 बरात हो रही है, वो खाना पीना सब अपना होना चाहिए, अब वो दुखी नहीं हो वैसे परिवार, वो भीख मांगने की आदत नहीं डालेंगे। सही बात, अब आगे से आगे सब्सक्राइब करना भैया को, आगे सपोर्ट देना और समाज को, खाली एकता बना के रखना मुट्ठी में। तो ये श्याम सुंदर की नहीं, ये पूरे समाज की प्रार्थना है, ये पूरे समाज की रिक्वेस्ट है कि आप बुराई छोड़कर अच्छाई की ओर आइए। हमारा समाज भीख मंगा नहीं है, हमारा समाज मेहनत का समाज है, अपने प्रक्रम और अपनी मेहनत से कुएं खोद के पानी पी जाए, अपने सब जगह गधे चला के हर जगह हर शहर घूमते थे गधे चला चला। अभी अभी माजी कह रहे थे, अभी भी हाँ वो कह रहे थे माजी, हमने उदयपुर की उदयपुर में देखी वो पूरी खुदी थी ना नहर, नहर गधे सागर की, उन्होंने खोदी है, उन्होंने खोदी है। लो बोलो ऐसे हम पराक्रमी समाज जिन्होंने हमें इतिहास बनाया, राजा महाराजाओं के जमाने में हमने अपनी मेहनत से पराक्रम से और श्रम शक्ति से हमने अपना नाम कमाया, और आज ये कहाँ हो गए, पीछे हो गए, हम मांग रहे बस, हम मांगने वाले दे दो हमारे को। ये श्याम सुंदर दिन भर मेहनत करता है, लोगों को छोड़ के आता, लेके आता, नहीं मांगता, नहीं मांगता, मेरे मेहनत का होता, मेहनत का पैसा लेता हूँ, मेहनत का खाता हूँ, और अपने बीवी बच्चे को अपने मेहनत के खिलाते हैं, कभी आज तक मैंने ना यूं करा, मैंने अपना हाथ खाली यही जोड़ के रहे, खाली और समाज को सुधारो, ये कोई भी और भी अपने अभी आ रही पीछे वाली पीढ़ी आगे बढ़ने चाह रही है, उनको बढ़ाओ, खाली पीना गाना छोड़ो इन ओडो, अपने और समाज में क्या है पहले मीटिंग भी होती है लाओ दारू, बोले वो होगा कोई फंक्शन होगा लाओ दारू, ये हर चीज में क्या दारू है। सही बात है, मैं कह रहा हूँ समाज में सबसे बड़ी बुराई दारू है, दारू में तो मेरा खानदान खत्म, हाँ मुझसे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ा, दारू के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, अभी मेरा भाई है मुकेश वो भी गुजर गया, वही दारू दारू के अंदर चल गया, अब इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे है, कौन संभालेगा अब, कौन संभालेगा अब, वो दादा ना इनकी मम्मी है, मम्मी भी गुजर गया, अब दादा संभाल रहा है, और पिलाने वाले कौन थे, पिलाने वाला भाई अम्मी थे हमारे अपने ही थे, हाँ पराया कोई नहीं आया, कोई नहीं था पराया, माँ के पेट से तो सीख के आए नहीं, हाँ। तो देखिए ये व्यवस्थाओं को बदलना होगा और हमें अपने परिवार की चिंता करनी होगी, हर एक मनुष्य प्राणी जो भी हमारे समाज से दुखद मृत्यु मरता है तो उसका हमें भी बहुत शोक होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन इस दुख को हम उनके साथ कैसे मिलपट बांट भागीदारी निभा सकते हैं, हम उनके साथ कैसे अच्छा संबंध में बना, उनके बच्चों की अच्छी देखरेख कैसे कर सकते हैं, हम उनको इंजीनियर डॉक्टर चाहे जो बना सकते हैं, लेकिन बस ये है कि समाज सपोर्ट करे,
ये और समाज है, ये वो समाज है जो भागीरथ जैसे 24 साल तक तपस्या करके गंगा माता को धरती पर लेने वाला समाज है, जिसने मानव जाति नहीं धरती पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पहाड़ नदियां समुद्र सबके लिए योगदान देने वाला समाज है। आइए पहचानिए अपने आप को, थोड़ा सा पहचानिए, सोचिए कि हम और क्षत्रिय समाज है। एक बार हम और क्षत्रिय बन के दिखाएंगे तो अन्य समाज भी देखेगी वास्तव में ये समाज है, ये ओड है, ओड है, इनमें एकता है। अभी मैंने यूट्यूब पे एक बार देखा था, मैंने जयपुर के अंदर ओड समाज का मैंने किसने रैली निकाली जाके निकाला, मैंने ये सब कुछ देखा मैंने, बोले ये देखो ये ओड देखो कितने ओड है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अपने अजमेर हर जगह जाके देखो कोई जानता नहीं, बोले ओड कितने इधर कितने ओड है इधर कितने ओड है, एक अट नहीं होगा जब तक कुछ नहीं काम चलने वाला है। चलो श्याम सुंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी है। माता रानी आप पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, माँ जसमा जी आप पर दया कृपा दृष्टि बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज पहाड़गंज अजमेर से सीधी ये तस्वीरें आप देख रहे थे जिसमें हमारे श्याम सुंदर जी ने अपने समाज के लिए अपना दर्द बताया है, इस पर गौर करें और आप जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।